अच्छा और ब्यूटीफुल एंड इबरत हासिल करने वाला वाक्य है। हजरत बी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाजा, ठीक है, अनहा का जनाजा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद जब रात को उनका यानी आपका जनाजा कब्र में उतारा गया तो अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जोश गम से कब्र से कहा, यानी कि अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्होंने अपने जोश और गर्म से कबर से कहा, ए कबर क्या तू जानती है किसका जनाजा आया है? अल्लाह अकबर, यानी कि कबर से कहा जा रहा है, ए कबर क्या तू जानती है किसका जनाजा आया है? तो मुझे पता भी है, तुझे पता भी है कि हम किसका जनाजा लेकर आए, यानी अबू जर गिफारी रज़ी अन्हा कह रहे हैं कबर से कि तुझे पता भी हम किसका जनाजा लाए हैं? ये बेटी है रसूलुल्लाह की और बीबी है हजरत अली रज़ी अन्हा की और ये माँ है हजरत हसन हुसैन रज़ी अन्हा की और ये फातिमा जोहरा है जन्नत की बीबियों की सरदार, यानी कि जन्नत ही है। फिर उसके बाद क्या होता है सुनिए, कबर से आवाज आई, ए अबू जर, यानी कबर कह रही है कि ए अबू जर सुनो, कबर कह रही है कि यहाँ पर हसब नसब और बंस यानी कि नसल, यहाँ पर हसब नसब बंस बताने की जगह नहीं है, ये हसर बंस नसल जो भी बताने की जगह नहीं है, यहाँ तो वही आराम पाएगा जो नेक काम के करके आएगा। यहाँ ये अबू जर तुम ये मैं बताओ ये किसकी बेटी है, क्या किसकी बीबी है, किसकी माँ है, इस कबर में तो वही आराम पाएगा जो दुनिया में उसने नेक काम किए होंगे, अल्लाह की इबादत की होगी, अल्लाह के रसूल के अकॉर्डिंग जिंदगी लिविंग की होगी उसने, ठीक है, लाइफ को लिविंग किया होगा, वही इस यहाँ पर ऐस करेगा।